सुप्रभात प्यारे छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल से चौथी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक आकांक्षा का पाठ 6 पढ़ेंगे, जो पृष्ठ नंबर 31 पर है। अपनी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक निकालिए और पृष्ठ नंबर 31 पर आइए। पाठ 6, ईमानदारी। बच्चों, हमें हमेशा जीवन में ईमानदारी से जीना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी हमें जीवन में सम्मान दिलाती है और लोगों के बीच हमें प्रिय बनाती है। हम अपनी ईमानदारी से ही लोगों का दिल जीत सकते हैं। हमें ईमानदारी का परिचय देना चाहिए तथा सदा दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। वह सदैव ईमानदारी के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अपनी सच्चरित्रता तथा ईमानदारी के कारण ही प्रसिद्ध हुए। बच्चों, हम अपनी ईमानदारी से ही लोगों का दिल जीत सकते हैं। हमें हमेशा अपने साथ और दूसरों के साथ ईमानदार रहना चाहिए तथा दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि दिल सदैव ईमानदारी से जीने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अपनी ईमानदारी और सच्चरित्रता के कारण ही प्रसिद्ध हुए थे। महात्मा गांधी जी ने हमें सदैव ईमानदारी से जीना ही सिखाया, जिस कारण वे प्रसिद्ध हुए। बच्चों, इस पाठ में हम ईमानदारी का महत्व समझेंगे। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। मई की दोपहरी थी, जोरदार गर्मी पड़ रही थी। तभी गली में मटका कुल्फी बेचने वाले की आवाज़ सुनाई दी। झटपट आसपास के घरों के दरवाजे खुलने लगे। थोड़ी ही देर में कुल्फी वाले के पास बच्चों की भीड़ लग गई। नरेश वहां से कुल्फी लेकर घर आया तो बहुत प्रसन्न था। ऐसी गर्मी में ठंडी मीठी कुल्फी मिलने की जितनी खुशी थी, उससे भी बढ़कर उसे एक खुशी और थी। वह भला क्या? बात यह हुई कि नरेश ने कुल्फी वाले से 5 रुपए की कुल्फी ली और उसे 10 रुपए दिए। कुल्फी वाले ने भूल से नरेश को 10 रुपए ही लौटा दिए और कुल्फी दे दी मुफ्त में। बच्चों, मई का महीना था, दोपहर का समय था, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। तभी अचानक गली में मटका कुल्फी बेचने वाले की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिसे सुनकर सभी लोग अपने घरों के दरवाजे खोल देते हैं और कुल्फी लेने के लिए बाहर आ जाते हैं। थोड़ी ही देर में कुल्फी वाले के पास बच्चों की भीड़ लग जाती है। वहां पर नरेश नाम का एक बच्चा भी कुल्फी लेने आता है और वह कुल्फी लेकर घर आ जाता है। नरेश कुल्फी लेकर बहुत खुश था, क्योंकि उसने कुल्फी खरीदी, परंतु इससे भी ज्यादा वह इसलिए खुश था क्योंकि जब उसने कुल्फी खरीदी तो उसने कुल्फी वाले को 10 रुपए दिए। कुल्फी वाले ने उसको कुल्फी भी दे दी और उसके 10 रुपए भी भूल से वापस कर दिए और नरेश को कुल्फी मुफ्त में मिल गई, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। नरेश ने सब कुछ जानते हुए भी वे 10 रुपए चुपचाप अपनी जेब में रख लिए। फिर मन ही मन प्रसन्न होता हुआ अपने घर चला आया। आप जानते हैं, ऐसा अनेक बार हो जाता है। यदि दुकान पर अधिक भीड़ हो तो ऐसी गलती की आशंका और भी अधिक बढ़ जाती है। बच्चों, नरेश वे 10 रुपए चुपचाप अपनी जेब में रख लेता है, यह जानते हुए भी कि कुल्फी वाले ने उससे कुल्फी के पैसे लिए बिना ही 5 रुपए उसे लौटा दिए हैं। और यह सोचकर वह बहुत खुश होता रहता है और सोचते सोचते अपने घर की ओर चला आता है। आप जानते होंगे कि कई बार ऐसा हो जाता है, जब आप किसी दुकान पर सामान लेने जाते हैं और दुकान पर बहुत अधिक भीड़ होने के कारण दुकानदार आपको अतिरिक्त पैसे लौटा देता है या फिर आपके पूरे पैसे भी वापस कर देता है। ऐसा भीड़ के कारण होता है। बच्चों, पृष्ठ नंबर 32 पर आइए। सोचो, क्या नरेश का यह काम उचित था? सचमुच नरेश ने छोटे से लोभ में फंसकर बेईमानी कर डाली।
नरेश का कर्तव्य था कि वह कुल्फी वाले को उसकी गलती बताता और उसके पैसे लौटा देता। तब वह एक ईमानदार बालक कहलाता। ईमानदार रहने पर उसके अपने मन को भी बड़ी प्रसन्नता होती। बच्चों, क्या नरेश ने यह ठीक किया? नहीं, यह बिल्कुल गलत था। नरेश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नरेश ने छोटे से लालच में फंसकर बेईमानी कर डाली। उसका फर्ज था कि वह कुल्फी वाले को उसकी गलती बताता और उसे उसके पैसे वापस लौटा देता। तब वह एक ईमानदार बच्चा कहलाता। परंतु उसने ऐसा नहीं किया। ईमानदार रहने पर उसके मन को खुशी होती और उसके मन पर कोई बोझ नहीं रहता। कुछ स्वार्थी लोग खाने पीने में बेईमानी को बुराई नहीं मानते, लेकिन यह अनुचित है। एक छोटी सी बेईमानी ही आगे बड़े अपराध का रास्ता खोलती है, इसलिए ऐसी छोटी भूल कभी मत करो। बच्चों, कुछ स्वार्थी लोग खाने पीने में बेईमानी को बुरा नहीं मानते, क्योंकि उन्हें लगता है यह गलत नहीं है। परंतु वे नहीं जानते कि एक छोटी सी गलती ही बड़े अपराध का कारण बनती है, इसलिए ऐसी छोटी भूल कभी मत करो। ये छोटी छोटी गलतियां ही हमें जीवन में बड़ी गलतियों का आधीन बना देते हैं। कभी कभी हम दूसरों की कोई वस्तु मांग लेते हैं, उसे लौटाने में देरी हो जाती है। अब यदि उस वस्तु का स्वामी हमसे न मांगे तो हम प्रायः उसे लौटाने की जहमत ही नहीं उठाते। हमारा यह व्यवहार उचित नहीं कहा जाएगा। भूल तो किसी से भी हो सकती है। हम किसी की कोई वस्तु लौटाना भूल जाएं तो याद आने पर उसे तुरंत लौटा देना चाहिए। साथ ही विलंब के लिए क्षमा याचना भी करनी चाहिए। बच्चों, जब कभी कभी हम दूसरों से कोई वस्तु मांग लेते हैं और उसे लौटाने में देरी हो जाती है या हमें उस समय याद नहीं रहता, तो हमें उस व्यक्ति को उसकी वस्तु लौटा देनी चाहिए बिना उसके मांगे। यदि उस वस्तु का मालिक नहीं मांगता है तो हम उसे लौटाने की जहमत भी नहीं उठाते। हम यह भी नहीं सोचते कि उसे भी उसकी ज़रूरत होगी। हमारा यह व्यवहार ठीक नहीं है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भूल तो किसी से भी हो सकती है। यदि आप किसी को अपनी कोई वस्तु देकर भूल जाते हैं तो उस व्यक्ति का फर्ज है कि वो आपको समय पर लौटा दे। और यदि हम किसी की वस्तु लौटाना भूल जाएं तो वस्तु लौटाने के पश्चात हमें उससे देरी के लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि हमें आपकी वस्तु लौटाने में देर हो गई है, इसलिए हमें माफ़ कर दीजिए। इससे हमारा व्यवहार अच्छा बनता है और हमारे मन को भी संतुष्टि होती है। ईमानदारी रुपए, पैसे या वस्तुओं की ही नहीं होती, इसका क्षेत्र व्यापक है। आप विद्यार्थी हैं, आपको ईमानदारी से पढ़ने की आवश्यकता है। कुछ विद्यार्थी पढ़ते नहीं बल्कि पढ़ने का नाटक करते हैं। पढ़ते समय उनका मन इधर उधर भटकता रहता है। वे अपने माता पिता और अध्यापकों को धोखा देते हैं। वे अपनी पढ़ाई के प्रति भी ईमानदार नहीं होते। और जो विद्यार्थी परीक्षा में नकल करके उत्तीर्ण होने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें भला कौन ईमानदार कह सकता है? ऐसी झूठी पढ़ाई और नकली परीक्षा से क्या लाभ? बच्चों, ईमानदारी सिर्फ रुपए, पैसे या वस्तुओं की ही नहीं होती है। हमें जीवन में सदैव ईमानदार होना चाहिए। आप लोग विद्यार्थी हैं तो आपको अपनी पढ़ाई ईमानदारी से करनी चाहिए। कुछ बच्चे पढ़ते नहीं हैं बल्कि वे पढ़ने का नाटक करते हैं। पढ़ते समय उनका मन इधर उधर भटकता रहता है। कक्षा में अध्यापक यदि उन्हें पढ़ा रहे होते हैं तो वे इधर उधर की व्यर्थ बातें सोच रहे होते हैं या फिर व्यर्थ चीजों में अपना ध्यान लगाए होते हैं। ऐसे बच्चे अपने माता पिता और अध्यापकों को धोखा देते हैं। वे अपनी पढ़ाई ईमानदारी से नहीं करते। और जो विद्यार्थी नकल करके परीक्षा में पास होने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी भला कौन ईमानदार कह सकता है? वो बच्चे भी ईमानदार नहीं होते हैं। और ऐसी झूठी पढ़ाई और नकली परीक्षा से क्या फ़ायदा? यदि बच्चों आप नकल करके पास हो जाएंगे, आपको पता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, तो हम चुपचाप से देख के सब कुछ कर लेते हैं। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को तो देख रहे हैं, है ना? आपको तो पता है कि आप ये मेहनत से नहीं कर रहे हैं, आपने नकल से परीक्षा दी है।
तो उस परीक्षा का कोई फायदा नहीं है। परीक्षा इसलिए ली जाती है ताकि आपको ज्ञान आए। यदि आप सब कुछ देखकर लिखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या पढ़ा, आपने सिर्फ देखकर लिख दिया, तो ऐसी पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए हमें हर क्षेत्र में ईमानदार होना चाहिए। एक अच्छे बच्चे की तरह, एक अच्छे विद्यार्थी की तरह सदैव ईमानदार होना चाहिए। ओके, सोचो, नकल करके परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला बालक बड़ा होकर यदि किसी तरह अध्यापक बन भी गया तो वह विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएगा, जब उसे ही कुछ नहीं आता। यदि ऐसा अज्ञानी व्यक्ति चालाकी और बेईमानी से डॉक्टर बन गया तो वह मरीजों को तो बेमौत ही मार डालेगा। बच्चों, सोचो, अगर कोई बच्चा नकल करके पास हो जाए और वो कैसे भी करके अध्यापक बन भी जाए तो क्या वह विद्यार्थियों को पढ़ा पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे ही कुछ नहीं आता तो वह विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएगा। और यदि ऐसा अज्ञानी व्यक्ति चालाकी से और बेईमानी से डॉक्टर बन भी जाए तो वह मरीजों को बेमौत ही मार डालेगा, क्योंकि उसे इलाज करना तो आता ही नहीं होगा, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की और बेईमानी से पास हुआ। तो इसलिए हमें हमेशा ईमानदार होना चाहिए। यदि कहीं धोखाधड़ी करके वह इंजीनियर बना तो उसके बनाए हुए भवनों और पुलों का प्रयोग करने वालों की जान तो सदा जोखिम में ही रहेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि आप ईमानदारी से पढ़ें और योग्य बने, परीक्षा में पूरी ईमानदारी बरतें, तब आपको भावी जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। यदि महापुरुषों के जीवन पर ध्यान दें तो उनमें भी ईमानदारी का गुण देखने को मिलेगा। आपने पढ़ा होगा कि गांधी जी ने बचपन में अध्यापक के इशारा करने पर भी पास बैठे हुए बच्चे की कॉपी से देखकर अपना गलत शब्द ठीक नहीं किया था। उनका सारा जीवन ईमानदारी में रहकर ही बीता। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी का सब लोग आज भी उदाहरण देते हैं। उन्होंने अपने पद का जीवन भर न तो अपने लिए और न ही अपने परिवार के लिए अनुचित लाभ उठाया। इसी प्रकार यदि धोखाधड़ी करके वह इंजीनियर भी बन जाए तो उसके बनाए हुए घर और पुलों का प्रयोग करने वाले लोगों की जान हमेशा खतरे में ही रहेगी। इसलिए यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ईमानदारी से पढ़ें और योग्य बनें, परीक्षा में पूरी ईमानदारी दिखाएं, तब आपको भावी जीवन जीने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। आप अपना जीवन भी सरल बनाएंगे और दूसरों का जीवन भी, क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ हमारे लिए ही नहीं होता है, इस पर दूसरों की जिंदगी भी निर्भर करती है। इसलिए हमें अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी सदैव हर क्षेत्र में ईमानदार रहना चाहिए। यदि आप महापुरुषों के जीवन पर ध्यान दें, उनके बारे में जानें, तो आपको उनमें भी यह गुण देखने को मिलेगा। आपने पढ़ा होगा कि गांधी जी जब छोटे थे, वे जब विद्यार्थी थे, तो अध्यापक ने उन्हें इशारा करके कहा कि अपने पास बैठे हुए बच्चे की कॉपी से देखकर अपना गलत लिखा हुआ शब्द ठीक कर लो। परंतु महात्मा गांधी जी ऐसा नहीं करते हैं, वह उस गलत शब्द को गलत ही रहने देते हैं, क्योंकि वे सदैव ईमानदार रहे। उन्होंने अपना सारा जीवन ईमानदारी में व्यतीत किया। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी भी बहुत ईमानदार थे। उनकी ईमानदारी का उदाहरण आज भी दिया जाता है। उन्होंने अपने पद का कभी भी अनुचित प्रयोग नहीं किया, ना ही अपने लिए और ना ही अपने परिवार के लिए। बच्चों, पृष्ठ नंबर 33 पर आइए। बार बार मंत्री पद पर रहकर भी गुलजारी लाल नंदा जीवन भर किराए के मकान में रहे, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आप जानते हैं, ईमानदार व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं, बेईमान व्यक्ति सबकी नजरों से गिर जाता है, कोई उसका मन से सम्मान नहीं करता, वह सबका विश्वास भी खो बैठता है। दिल कभी गलत सलाह नहीं देता, अपने दिल की आवाज सुनिए और ईमानदार बनिए। बच्चों, बार बार मंत्री पद पर रहकर भी गुलजारी लाल नंदा जीवन भर किराए के मकान में रहे। वे बार बार
मंत्री बने, परंतु कभी भी उन्होंने उस पद का दुरुपयोग नहीं किया और वे सदैव ईमानदारी से जिए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आपको पता ही होगा कि ईमानदार व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं और बेईमान व्यक्ति सबकी नजरों में गिर जाता है, उसका कोई सम्मान नहीं करता। अगर उसके सामने डर की वजह से कोई उसका सम्मान करे भी तो पीछे सब उसे बुरा ही कहते हैं। इसलिए हमें सदैव ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि बेईमान व्यक्ति का कोई मन से सम्मान नहीं करता और उस पर कोई भरोसा नहीं करता। यदि बेईमान व्यक्ति किसी के लिए कुछ करता भी है तो सबको यही लगेगा कि यह तो बेईमान है। अगर वो मन से भी कुछ करेगा तो उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए हमें सदैव ईमानदार रहना चाहिए। दिल कभी भी गलत सलाह नहीं देता है, क्योंकि हमारे अंदर से आवाज़ आती है अगर हम कोई गलत काम करते हैं। हमें अंदर से पता चलता है कि यह काम गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए और ईमानदार बनना चाहिए। ओके, संदेश, हमें सदा ईमानदारी का पालन करना चाहिए। बच्चों, इस पाठ का संदेश है कि हमें जीवन में सदैव ईमानदार रहना चाहिए, अपने लिए और दूसरों के प्रति, हर क्षेत्र में। ओके बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप यह पाठ अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आप ईमानदारी का महत्व अपने जीवन में अच्छी तरह से समझ चुके हैं और आप सदैव ईमानदार रहेंगे, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए, शिक्षक के लिए और अपनी पढ़ाई के प्रति भी। ओके बच्चों, प्रश्न नंबर 34 पर आइए। बच्चों, प्रश्न नंबर 34 पर आपको अभ्यास माला दी गई है। आप इस पाठ को एक बार और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसके पश्चात दी गई अभ्यास माला को अपनी पुस्तक में करने का अभ्यास करेंगे। यदि आपको इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।